कई बार टीवी चैनल के माध्यम से और कई बार धर्म सभा को या सनातन धर्म को जगाते हुए श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आपकी वाणी इतनी ओजस्वी है कि जब आप राम कथा का वाचन करते हैं तो भारत के सभी संत साधु ब्राह्मण जन को ये लगता है कि स्वयं हनुमान जी कथा को वाच रहे होते हैं। ऐसी सुंदर आलोकित वाणी चित्रकूट से कामदगिरी बाबा के पावन चरणारविंद से पहुंचकर कवर्धा की भूमि को पवित्र करने के लिए संत साधु यहाँ पहुंचे। श्रीमद् भागवत कथा का परम सुख देने वाले संत श्री राजीलोचन जी महाराज जी, जिनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान है और भगवान कृष्ण की अलौकिक लीला का गुणगान आप कर रहे हैं। जब भी अपने जीवन की सार्थकता को पाना है तो जरूर संत शरणागति को जाना है। जिस भोरमदेव भगवान शिव का एक अलौकिक मंदिर अपने कवर्धा के बिल्कुल नजदीक में 17 किलोमीटर दूर है, जिसको ज्यादा खतरा हो वो 17 पर पहुंच जाए, बस इतना सा। क्योंकि जब कवर्धा से हम चलते हैं तो यहां से लिखा होता है कि भोरमदेव 17 किलोमीटर है, ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 16, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 15, बोलते जाओ जरा, फिर आगे बढ़े तो 14, फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, कहाँ पहुँच कर शून्य मिला, बोलो बोलो जल्दी बोलो, और अर्थात उसके बाद की सारी गिनतियां बाबा लगाता है और आपकी झोली भरकर भेज देता है। आपको फिर गिनती लगाने की जरूरत नहीं होती, बस आपके जब यहाँ से गाड़ी लेके निकले भोरमदेव के लिए, तब बड़े आराम से अलमस्त होकर बाबा का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय, दो अक्षर का मंत्र राम नाम, ढाई अक्षर का मंत्र कृष्ण नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उसको जपते 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 चले जाते। बहुत दूर दूर से लोग भोरमदेव आते हैं, जैसे बहुत दूर दूर से लोग एक दिन का प्रवचन सुनना है या 7 दिन की श्रीमद् भागवत सुनना है या राम कथा सुनना है, तो इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, 42 डिग्री का टेम्परेचर और धूप में लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म जागा है। जब इतनी दूर दूर से लोग चलकर कवर्धा तक पहुंचे हैं, और कई ऐसे भी आलसी होंगे जो कवर्धा में ही दे रहे होंगे और तो भी सोच रहे होंगे इतनी भीड़ नीचा, जिसने इस भीड़ के धक्के खा लिए फिर वो नरक की भीड़ के धक्के नहीं खाता है, वो स्वर्ग में ही। बहुत बहुत आलसी मिलते हैं, आलसी। एक टीचर ने, एक शिक्षक ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल सारे बच्चे चित्र बना कर लेकर आना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, इनका चित्र बना होना चाहिए। सब बच्चों ने कह दिया, जितने भी शिष्य थे सब ने कह दिया, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। और उसी में एक आलसी बच्चा बैठा था, इतना आलसी कि कोई काम करता ही नहीं, उसने भी कह दिया, बोलो जम के, यस। अब सोचो कितना आलसी होगा जब तुम्हें यस सर कहने में इतनी आलस आ रही है, तो वो कितना धीमे से बोला होगा यस। अब दूसरे दिन सर ने कह दिया, मैं सब चेक करूंगा और तुम सब अपनी अपनी कॉपी लेकर आइएगा। सब ने चित्र बनाया, ये आराम से घर पर गया आलसी, चादर ताना और सो गया।
सुबह स्कूल में गए, टीचर ने पूछा सब बच्चों से, तुमने कॉपी में चित्र बनाया? यस सर। देखिए कॉपी खोली गई, चित्र दिखाया। चित्र देखते 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 टीचर इस आलसी बच्चे के पास में पहुंचा और आलसी बच्चे के पास में जाकर कहा, तुमने चित्र बनाया? यस सर। कहाँ है चित्र? कॉपी एकदम खाली थी और खाली कॉपी को टीचर के सामने दे दिया। सर ने पूछा, कहाँ है चित्र? सर, मैंने सबसे पहले इस पे चूहा बनाया था और चूहा बनाने के बाद जब बिल्ली बनाई थी, बिल्ली चूहे को खा गई थी। आलसी की रफ्तार देखिएगा कितनी जोरदार है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे और कई लोग कवर्धा के ऐसे हैं जो यहाँ नहीं पहुंचे, ये उन्हीं के लिए कथा है, ठीक है। फिर सर ने पूछा, क्यों, अगर चूहे को बिल्ली खा गई तो बिल्ली कहाँ गई? सर, बिल्ली तो बनाई थी, उसके बाद में जो कुत्ता बनाया ना, वो बिल्ली को। सर ने कहा, तू बना ले मेरे को बेवकूफ, कितना बनाएगा, आखिरी में तो पहुंचेगा ना। अब यहाँ कुत्ता खा गया, अगर वो कुत्ता ने बिल्ली को खाया था तो कुत्ता गया कहाँ? सर, कुत्ता बनाया था, उसके बाद में जब गाय बनाई तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। अब सर बोले, ये बता कि कुत्ता गाय के सींग देखकर भागा तो गाय कहाँ है? सर, गाय बनाई थी और हमारा जो पड़ोसी है ना कल्लू, वो घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली और कॉपी खाली की। हम भी ऐसे ही, बस बचपन निकला, जवानी निकली, बस कुछ नहीं करना, बच्चों का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई और जैसे ही घर में बहू आएगी, अपन को कुछ नहीं करना। जब गुरुदेव यहाँ आएंगे, भागवत बाँचेंगे, राम कथा करेंगे, शिव कथा करेंगे, मंदिर जाएंगे, सुंदर वरुणदेव जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे। हम भी यही सोच के बैठे, बस अभी बहू आ जाए, फ्री हो जाऊं, इसके बाद मैं कथा में जाऊंगी, इसके बाद सत्संग में जाऊंगी। और मालूम पड़ा कि बहू तो आई पर ऐसी आई कि पूछे ही मत, कितने अरमान से लेकर आई थी कि गरम रोटी खिलाएगी, और दिल के अरमान, कितने अरमान से लाई थी कि मेरे को रोटी देगी, भोजन कराएगी, पर अब क्या दे रही है ये तो तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कथा है, आदरणीय गुरु जी के पावन वाणी में हमने एक बार संवाद श्रवण किया था, आपने बड़ी सुंदर भाषा में बहुत सुंदर संवाद को, उत्तर प्रदेश की कोई धरा पर एक संवाद आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं, सबको भगवान कुछ ना कुछ पद प्रदान कर रहे हैं। विभीषण को दिया एक पद लंका का, किसी को दिया ये पद, किसी को दिया वो पद, किसी को कोई पद प्रदान करा। तभी भगवान राम जी महाराज बड़ी कृपा करे और भगवान ने कृपा कर श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी महाराज को बुलाकर तुरंत पास में बुलाकर कहा, हनुमान अब हमारा मन करता है कि हम तुमको भी पद दे दें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी पद नहीं चाहिए, अगर तुम पद दे दोगे तो मुझसे काम नहीं होगा। जो काम एक कार्यकर्ता कर सकता है वो पद लेने के बाद पदाधिकारी कभी नहीं कर सकता। ये जिंदगी का एक ध्यान, एक छोटे से छोटारी श्री गणेश तिवारी जी आयोजन को करवा रहे हैं और गणेश तिवारी जी आयोजन को करवा रहे हैं, हम तो कहेंगे केवल गणेश तिवारी जी नहीं करवा रहे, इनका नाम जो गणेश है ना, बस वही आयोजन करवा रहा है। तो गणेश तिवारी जी आयोजन को करवा रहे हैं, तो अर्थात इनके पास में जितने कार्यकर्ता होंगे, जो कार्यकर्ता की टीम बनाई होगी, उधर यज्ञ चल रहा है, रुद्र महायज्ञ चल रहा है, इधर भागवत कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, फिर बीच में शिव तत्व आ गया, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रवचन आदि कादि मिलते प्राप्त होते रह रहे हैं, संतों का दर्शन मिलता रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कार्यक्रम, बहुत छोटे, जिनको लोग नकार देते, जिनको लोग देखते ही नहीं, जिनके पास में थोड़ा सा पद है वो तो अग्रण्य रहते हैं, पर जो सेवा खास करने वाले, जो सेवा में अग्रण्य लगने वाले, जैसे कोरोना महामारी में घर के लोग बाहर नहीं निकले, पर एक साधारण सा
हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले एक साधारण सा, जिसको लोग सहज भाषा में हंस करके देते हैं कि ये शूद्र है, कोई कह देता है ये ब्राह्मण है, कोई कह देता है ये क्षत्रिय है, कोई कह देता है ये वैश्य है। एक साधारण सा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है।